विभाग की तरफ से दो और नोटिस भेजे गए और इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खुद दी है कि किस तरह से आयकर विभाग ने उन्हें आखिर एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया है। आरटी का नोटिस आया है और अब कांग्रेस को इसका जवाब देना है। कांग्रेस को फिर से इनकम टैक्स का नोटिस आया है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, लेकिन आयकर विभाग ने अब नोटिस दे दिया है। जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि इनकम टैक्स का नोटिस आया है और बीजेपी पर पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं अब कांग्रेस के नेता आयकर का यह नोटिस आने के बाद। अगर आप सोचें कि आप राष्ट्रीय परिवार से हैं, आप डायनेस्ट हैं और आपसे कोई प्रश्न ही पूछा गया तो होगा नहीं। देश में इनकम टैक्स देने का काम उतना मेरा भी है, उतना जयराम रमेश का भी है, उतना कांग्रेस पार्टी का भी है, उतना बाकी सब पार्टीज का भी है। असल में क्या है कि इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस भेजते हैं, आप जवाब नहीं देते, फिर आप पे जुर्माना लगता है तो आप अपलेट कोर्ट जाते हैं, अपलेट कोर्ट आपकी अर्जी को नकार देता है, हाई कोर्ट आपकी अर्जी को नकार देता है और अब आप कहते हैं कि सरकार आपको तंग कर रही है। असल में क्या है कि टैक्स आप नहीं करते, टैक्स आप इवेट करते हैं। सारा हिंदुस्तान देख रहा है, आम आदमी तक देख रहा है, गांव घर का आदमी भी देख रहा है कि विपक्ष चला जा रहा है और उसके लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, एनआईए सब एजेंसी उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। विभागों से जहां जहां लोग काम करते हैं, जहां किसी के रिश्तेदार नातेदार काम करते हैं, उनसे दबाव डलवाया जा रहा है। इलेक्शन धमाका में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब महाराष्ट्र में फंसता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के दूसरे साथी उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट के प्रत्याशी उतारने की तैयारी में इनके खिलाफ आमने सामने लड़ते दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सांगली, भिवंडी और मुंबई की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट करने वाली है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने बताया कि आला कमान का फैसला है कि कांग्रेस 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेगी। जिस तरह से हमारे महाविकास आघाड़ी के दल शिवसेना ने या पवार साहब की राष्ट्रवादी ने जिस तरह से हठधर्मी दिखाई है और उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के महाराष्ट्र के सभी नेता नाराज हैं। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारी परंपरागत सीट है, चाहे वो सांगली हो, भिवंडी हो, उत्तर मध्य मुंबई हो, उत्तर पश्चिम हो, ऐसी जो 5-6 सीटें हमारी हैं, उन सीटों पर हम लोग क्यों ना फ्रेंडली फाइट करें, दोस्ताना तरीके से चुनाव लड़ें। जैसे कि पंजाब में केजरीवाल जी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में हमारा उनके साथ गठबंधन है, पंजाब में 1 सीट पे गठबंधन है, बाकी सीटों पे हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो हम मुंबई और महाराष्ट्र में भी फ्रेंडली फाइट करने की हमारी तैयारी है और ये सोच और ये फैसला दिल्ली हाईकमान को, आला कमान को बता दिया गया। और इलेक्शन धमाका में अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में घटक दलों के बीच तकरार की वजह क्या है। दरअसल दावा है कि शिवसेना ने उन सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं जहां कांग्रेस मजबूत है और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से उन सीटों पर ये प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस अब यहां फ्रेंडली फाइट करेगी। लोकसभा सीट भिवंडी की, जो कि मुंबई से ही लगी हुई सीट है, कांग्रेस और एनसीपी के शरद पवार गुट यहां पर अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उनके उम्मीदवारों ने इसके पहले के चुनाव में बड़े वोट हासिल किए थे। बीजेपी पिछले चुनाव में जीत गई थी दूसरे नंबर पर, कांग्रेस यहां रही थी 2019 के परिणामों में और इसलिए सब अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है सांगली सीट पर और यहां पर चंद्रहार पाटिल को उन्होंने पहले ही अपना उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस चाहती है कि यहां से वसंत दादा पाटिल, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पोते को यहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए, जबकि बीजेपी पिछले चुनाव में जीते थी और इसीलिए दूसरे लोग अब इस पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया और कांग्रेस इसीलिए उनसे नाराज चल रही है कि जहां उनकी दावेदारी थी वहां उन्होंने अपना उम्मीदवार क्यों उतार दिया। और सबसे खास बात यह है कि यह सीट बीजेपी जीती थी, यहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और उसी उम्मीदवार को फिर लड़ाने की तैयारी में थी। एक और सीट है मुंबई दक्षिण मध्य की, उद्धव ठाकरे की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया और कांग्रेस पार्टी इसलिए नाराज है। यहां पर शिवसेना जीती थी, लेकिन खास बात यह है कि राहुल शेवाले ये उद्धव ठाकरे के नेता जरूर थे, लेकिन वो पाला बदलकर शिंदे गुट में चले गए हैं, उद्धव ठाकरे के साथ नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मेरी पार्टी का प्रत्याशी जीता था, इसलिए उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा। और इस बीच कांग्रेस के फ्रेंडली फाइट करने के फैसले पर शिवसेना भड़क उठी है और शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है
कि अगर कांग्रेस यहां पर महाराष्ट्र में फ्रेंडली फाइट करती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में शिवसेना उनके सामने ऐसे ही खड़ी होगी और नाम देगी ये हमारी फ्रेंडली फाइट है। और इस बीच एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में आज एनसीपी शरद पवार गुट की उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है और यह बेहद अहम खबर है। बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट में 6 से 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है और शरद पवार गुट की ओर से ये कुछ प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में होंगे। कुछ ऐसे नाम जो पिछली बार सांसद बने थे उनका नाम इस पहली लिस्ट में शामिल होगा। 6 से 7 नामों का ऐलान शरद पवार गुट की ओर से किया जा सकता है। इंडी गठबंधन में घटक दल के तौर पर शरद पवार का गुट चुनावी मैदान में है और आज अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान वो कर सकते हैं। ये पहली लिस्ट उनकी होगी। कुछ खास नाम है जिनका जिक्र किया जा रहा है कि वो इसमें शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल आज बीजेपी में शामिल हो गई है। अर्चना पाटिल ने कल बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुलाकात की थी और आज मुंबई में वो बीजेपी में शामिल भी हो गई है। इससे पहले अशोक चव्हाण कांग्रेस के नेता रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, मिलिंद देवड़ा जो सांसद रहे कांग्रेस के, बाबा सिद्दीकी जैसे ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस का, ये साथ छोड़ चुके हैं और इसी कड़ी में अर्चना पाटिल आज बीजेपी में शामिल। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के नेता अंबादास दानवे ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को अफवाह करार दिया है और अंबादास दानवे ने कहा है कि वो पिछले 30 सालों से शिवसेना में है और उद्धव ठाकरे के साथ आगे भी काम करते रहेंगे। खबर जो है गलत खबर है। मैं पिछले 30 साल से शिवसेना का काम करने वाला शिवसैनिक हूँ जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार से काम करता है और अभी उद्धव जी के नेतृत्व के नीचे काम करता है। इसलिए सब बातें जो आते हैं गलत है, अफवाह है। मुझे लगता है बीजेपी के माध्यम से ये अफवाह फैलाई जा रही है। मेरा इसमें ये विषय से कोई संबंध नहीं। मैं बाला साहब का शिवसैनिक हूँ, मैं शिवसेना का काम ताकत से कर रहा हूँ और करूँगा। और इलेक्शन धमाका में अब बात करते हैं राजस्थान की सियासत की, जहां राजस्थान में कांग्रेस ने अपने 2 लोकसभा उम्मीदवारों को बदल दिया है। कांग्रेस की जारी की गई 9वीं सूची में राजस्थान की राजसमंद और भीलवाड़ा सीट पर उम्मीदवार बदल दिए गए। जहां भीलवाड़ा से सीपी जोशी को टिकट दिया गया है तो वहीं राजसमंद से कांग्रेस के सुदर्शन रावत की जगह अब दामोदर गुर्जर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे पहले दामोदर गुर्जर को कांग्रेस ने भीलवाड़ा से प्रत्याशी बनाया था, जहां से अब सीपी जोशी चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। 2 उम्मीदवारों का नाम अब कांग्रेस ने बदल दिया है और अब अपने उस लिस्ट में करेक्शन किया है। 2 ऐसी सीट जहां से उम्मीदवार कांग्रेस ने राजस्थान में बदल दिए हैं। और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर ही अब खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोटा में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल और विधायक शांति धारीवाल आमने सामने दिखाई दिए एक ही मंच पर। मौका था गुंजल के समर्थन में जनसभा का, लेकिन कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल पुराना हिसाब किताब इस मंच से ही चुकता करने लगे और उन्होंने प्रहलाद गुंजल पर हमला बोल दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस में शामिल होने के बाद सबसे पहले सांप्रदायिकता से हटकर अब सेकुलर बनना होगा और इसके बाद समर्थकों के बीच में ही दोनों नेताओं के बीच तूतू में किनौबत आ गई। हम आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस का दामन थामा था और कांग्रेस विधायक शांतिलाल धारीवाल ने उन्हें विधानसभा चुनाव में हराया भी था और इसकी वजह से दोनों के